हे गाइस, तो अगर आप भी हो एक वीडियो क्रिएटर और आपको भी आ जाता है इस तरह की कॉपीराइट, तो इस तरह की कॉपीराइट से कैसे बचा जाए इसके ऊपर ही आज का जो वीडियो है ये होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। स्टेप वन, तो पहले हम लोगों को एक वीडियो ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि ये वाला रीमेक ऑप्शन हो, और रीमेक में क्लिक करने के बाद ये साउंड लिखा है। देन जब आप साउंड पर क्लिक करोगे तो फिर देख सकते हो कि आप सिर्फ 15 सेकंड ही ले सकते हो इस ऑडियो का अपने वीडियो को बनाने के लिए। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसमें एक मेन ट्रिक्स है जो कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हो सिर्फ 15 सेकंड ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो वीडियो के। लेकिन मैं जो मेथड दिखाऊंगा इसमें आप एक मिनट तक साउंड ले सकते हो, 60 सेकंड तक साउंड ले सकते हो। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसी म्यूज़िक के ऊपर अपना एक वीडियो जो है 60 सेकंड का या फिर जितने सेकंड का भी हो 60 सेकंड के अंदर उसको एडिट करके सेव करके रख लेना है अपने फ़ोन के स्टोरेज पे। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यूट्यूब ऐप के अंदर, उसके बाद जाएंगे क्रिएट शॉर्ट पे। क्रिएट शॉर्ट में जाने के बाद हम लोग जो इधर है, इसके बाद उधर एड सॉन्ग है ऊपर, इसके बगल में है टाइम, तो इसको पहले सिलेक्ट करना है 60 पे। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको सिलेक्ट 60 पे ही रखना है, रख के ऐड सॉन्ग पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो सॉन्ग है इसको सर्च कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ सॉन्ग अपने हिसाब से सर्च। तो अपना ये वाला सॉन्ग था, तो आप देख सकते हो हम लोगों ने सर्च कर लिया ये वाला सॉन्ग को, तो ये वाला सॉन्ग को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने पर थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद राइट एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आप देख सकते हो 60 सेकंड के लिए जो अपना जो है सॉन्ग सिलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद 60 सेकंड हो चुका है, इधर देख सकते हो 60 लिखा आएगा। उसके बाद अपना जो वीडियो का क्लिप है आपने एडिट करके रखा था फ़ोन पे, इसको करना है सिलेक्ट। तो इसको इधर क्लिक करना है, अभी फ़ोन भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हो गया। उसके बाद अपना जो वीडियो है देख सकते हो एडिट करके रखा मैंने, तो इसमें करना है सिलेक्ट वीडियो को। उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, और देख सकते हो ये जो वीडियो है ये 50 सेकंड के लिए है, 54 सेकंड का वीडियो है, तो ये हो गया सिलेक्ट। और ये जो है अभी क्या होगा, उस म्यूज़िक के ऊपर जो है सिलेक्ट हो जाएगा वो वाला म्यूज़िक के साथ, और प्रोसेसिंग के बाद ये जो है उस म्यूज़िक के साथ पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद देख सकते हो चुका है। उसके बाद फिर से करना है राइट एटो, ओके, थोड़ा और लोडिंग लेगा, हो गया। अभी करना है इसको एडजस्ट, तो एडजस्ट के ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, और एडजस्ट के ऊपर क्लिक करते आ चुका है अपने हिसाब से। आप लोग देख लो कौन सी जगह आपने यूज़ करा था म्यूज़िक में, तो उस जगह को आप सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। तो जब आपका एडजस्ट कंप्लीट हो जाए, एडजस्ट करने के बाद करना है डन, और उसके बाद आप एक बार प्ले करके देख सकते हो कि आपका जो ऑडियो है ये वीडियो के साथ प्रॉपर एडजस्ट हुआ कि नहीं। अगर एडजस्ट वगैरह सब कुछ ठीक है तो फिर से डन, और डन करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चूज़ करना है अपना थंबनेल। तो इधर जो पेंसिल का आइकॉन है इसमें करना है क्लिक, और प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद अपना थंबनेल जो है इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपका थंबनेल जो है सिलेक्ट हो जाए तब करना है फिर से डन। डन करने के बाद अब अगर अनलिस्टेड में रहना रखते हो तो अनलिस्टेड में रखो, या फिर अपना जो टाइटल है वीडियो का वो सेट करो। उसके बाद अपलोड, और हो गया आपका कंप्लीट डन। तो इस मेथड से अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो डेफिनेटली आपका जो कॉपीराइट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये वीडियो इतना तक ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।